हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोनस अंकों को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, किस प्रकार से विद्यार्थियों को बोनस अंक देकर पास किया जाता है, इस वीडियो में अपन सारी जानकारियों को जानेंगे। अभी कक्षा 10वीं और 12वीं का जो आंसर शीट है वो लगभग पूरी तरह से पूरा चेक कर लिया गया है, बस अब रिजल्ट बनाने की जो तैयारी है वो चल रही है। इसके पहले मैंने इस वीडियो बनाया था जिसमें बोनस अंकों को देकर जो है पास करने का नियम जो है लागू किया जा सकता है, ऐसा मैंने उसमें बताया था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ अलग जानकारी देने वाला हूँ। ये जो बोनस होता है ये सभी छात्रों को नहीं मिलता है ना। उस वीडियो में मैंने जो बताया था वो सारे विद्यार्थियों के लिए था कि चाहे सरकार तो सभी को बोनस अंक देकर पास करता है, वो बोनस अंक अलग होता है जिसमें सभी को समान रूप से अंक देकर पास कर दिया जाएगा। ये सरकार पर डिपेंड करता है और छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल पर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो सारे छात्रों को अंक देकर जो है पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोनस अंक मिलने वाला है ये सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में मिलता है दोस्तों, है ना। तो ये जो है खेल कूद है, एनसीसी है, एसएससी है, स्काउट गाइड है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कोई भी खेल में यदि आपने मेडल, स्वर्ण पदक, रजत पदक इत्यादि प्राप्त किया है, एनसीसी में कोई जो है कुछ हासिल किया है ना, तो ऐसे छात्रों को खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को देखते हुए 15 से 20 नंबर जो है एक्स्ट्रा बोनस अंक दिया जाता है, जो कि मार्कशीट के अंकों के साथ जुड़ता है और उसका बाकायदा परसेंटेज में भी जुड़ जाता है ना। तो ये जानकारी जो है, इसके पहले और भी वीडियो है उस जिसमें मैंने पहले ही शुरू में बता दिया था दोस्तों। तो इस वर्ष जो है 2022 में कक्षा 10वीं के 1573 और कक्षा 12वीं के 1622 छात्रों को बोनस अंक दे दिया जाएगा, जो कि मार्कशीट में जुड़ेगा दोस्तों, है ना। तो ये बोनस अंकों की जानकारी के लिए वीडियो था। जब रिजल्ट आएगा तो उसमें मार्कशीट में जो बोनस अंक मिला है उसका विवरण रहेगा, लिखा रहेगा कितने आपको नंबर मिला है। इसी प्रकार बात करते हैं कक्षा 10वीं और 12वीं के अन्य छात्रों की, है ना। इसके अलावा और भी बोनस अंक देकर बच्चों को क्या पास किया जा रहा है, तो बहुत जल्द इसका डिसीजन 30 अप्रैल तक जो है आपको न्यूज़पेपर में और इत्यादि में जो है पता चल जाएगा दोस्तों कि सारे विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ शासन पास कर रहा है अथवा नहीं। इसका जो डिसीजन है वो 30 अप्रैल तक बिल्कुल आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। या तो मई महीने में जब 10 तारीख को जब रिजल्ट की घोषणा होगी, 10 मई तक रिजल्ट आने की संभावना है, ऐसा छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के अधिकारियों का कहना है। 10 मई तक जो है 10वीं 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। अब ये बोनस अंक जो है देकर पास करने का जो नियम है ये सारे विद्यार्थियों के लिए यदि लागू हो जाए तो सारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में पास हो सकते हैं, और यदि बोनस अंक नहीं दिया जाएगा तो फिर वही सप्लीमेंट्री और कुछ विद्यार्थियों को फेल भी किया जा सकता है।